हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेसी में। तो दोस्तों, पिछले के क्लास में जो है हमने सीखा था कि मोबाइल अगर डेड कंडीशन में आता है तो उसको किस तरह से चेक करते हैं, अगर मोबाइल में शार्टिंग या हाफ शार्टिंग को किस तरह से चेक करते हैं, उसकी बैटरी को किस तरह से वो जो है हम चेक करते हैं, सब कुछ जो है मैंने पिछले वाले क्लास में दिखाया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसकी लिंक दी गई है और फर्स्ट क्लास वन की भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, और नहीं तो ऊपर आई वाले बटन पर दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज के सेक्शन में जो है मैं आपको बताऊंगा कि चार्जिंग पिन जो है चार्जिंग कनेक्टर, पिछले वाले क्लास में जो है हमने देखा था चार्जिंग कनेक्टर ख़राब था तो उसको किस तरह से रिपेयर करते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज सिर्फ चार्जिंग के ऊपर ही होगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। अगर कोई टॉपिक के ऊपर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा लास्ट क्लास में कि इसमें चार्जिंग का जो कनेक्टर है इसमें प्रॉब्लम था, तो आज हम इसके चार्जिंग कनेक्टर को बदलेंगे, देखेंगे कि चार्ज होता है या नहीं है। तो सबसे पहले कि मोबाइल में जो है स्क्रूज होते हैं तो इन स्क्रूज को हम निकाल लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्रूज कितने, कभी भी आप स्क्रूज निकालते हैं ना दोस्तों तो उसके बैक पैनल में रख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रूज जो है मिस हो जाते हैं अगर कहीं पे रखते हैं तो आप, तो सारे स्क्रूज को डालना अच्छा होगा। कोई मैकेनिक्स क्या करते हैं, कुछ लोग खोलते बहुत सारे स्क्रूज लेकिन डाल के छोड़ते, एक दो स्क्रू डालते हैं उसके बाद भेज देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पीकर कनेक्शन वो जो होते हैं ना तो ठीक से काम नहीं करता है स्पीकर, कभी पर कहीं स्क्रू एक मिस हो गया तो ऐसा नहीं होता है, स्पीकर सब काम करते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ स्क्रूज होते हैं जो कि स्पीकर को नज़दीक से जोड़ के रखने के लिए होते हैं, बोर्ड को अटैच करने के लिए ही, अगर वो स्पीकर मिस हो जाता है तो स्पीकर में जो है स्क्रू मिस हो जाता है तो स्पीकर में जो है हमें साउंड नहीं आता है, तो इसी के कारण जो है हमें ये ध्यान रख के स्क्रू सारे को डालना पड़ता है। तो हमने देखा था पिछली क्लास में के किस तरह से जो है हमने चार्जिंग अगर नहीं चल रहा है तो उसको किस तरह से चेक करते हैं, नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है और आई बटन पे भी आया होगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये स्क्रू जो है गोल गोल घूम रहा है, इसका थ्रेड ख़राब हो चुका है शायद, इसलिए नहीं निकल रहा है, तो ऐसे समय में डाल के इसे खींच लेते हैं बस, करना कुछ नहीं है। तो अभी मोबाइल को हमने ओपन कर लिया तो इसको साइड में रख देते हैं, अभी इसको ओपन करते हैं दोस्तों ये मोबाइल की। तो यहाँ पे जो है हमें कई बार है ना डिस्प्ले निकाल के देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्रूज लगे हुए होते हैं, कुछ मोबाइल्स होते हैं जिसके ऊपर जो है यहाँ पे भी स्क्रूज लगे हुए होते हैं, तो ओपनर ले लीजिएगा और यहाँ आप देख सकते हैं शायद यहाँ लॉक्स है दोस्तों, तो इस लॉक में इसको बिठाया जाता है, तो ये स्पीकर सेट है तो इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो देखिए मोबाइल का पूरा बोर्ड जो है हाथ को आ चुका है हमारे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है चार्जिंग का पिन, इसका चार्जिंग जैक है इसका। तो आज इसी के बारे में सारी नॉलेज आपको मिलेगी दोस्तों इस वाले क्लास में, ये चार्जिंग जैक के बारे में। तो ये चार्जिंग जैक जो है, अगर मैं इसको देखिए यहाँ मैं इसे उठाता हूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर उठ रहा है ना, ऊपर उठ रहा है हर चार्जिंग जैक में ना आया दोस्तों। यहाँ पे पीछे की तरफ पांच कनेक्शंस होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ चार्जिंग कनेक्टर हाथ में लेकर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है अभी एक चार्जिंग कनेक्टर, तो
यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पांच कनेक्शन है, पांच लेग्स है यहाँ पे। देखिए ये एक दो तीन चार पांच, पांच लेग्स हैं, ठीक है। यही है पांच लेग्स जो कि बोर्ड में जाके अटैच होते हैं और उसके बाद इसके थ्रू करंट पास होता है। जब हम चार्जिंग चार्जर को इसमें डालते हैं तो यहाँ से करंट पास होके बोर्ड के थ्रू बैटरी को जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पांच कनेक्शन से, इसमें से पहला वाला कनेक्शन है प्लस और लास्ट वाला है माइनस। मान लो आप कुछ मोबाइल्स में जो है ये प्लस होता है ये माइनस होता है, बहुत सारे मोबाइल्स में जो है ये प्लस होता है ये माइनस होता है, और बाकी के जो तीन है इसमें ये प्लस के बाजू वाला जो आता है वो डेटा पॉजिटिव होता है और उसके बाजू वाला जो है डेटा नेगेटिव होता है। यानी कि जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए ये कमांड्स भेज देते हैं, डेटा पॉजिटिव डेटा नेगेटिव। ये जो चौथा वाला है इसका कोई काम नहीं होता है दोस्तों, ये BSI की तरह होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। तो वो लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जो है प्लस माइनस तो पक्का लगाना पड़ेगा अगर आपके मोबाइल को चार्ज करना है तो। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच है, तो प्लस हो गया पहला वाला, लास्ट वाला माइनस, प्लस के बाजू वाला डेटा पॉजिटिव, उसके बाजू वाला डेटा नेगेटिव, और ये बिना काम का कुछ। ये चार्जिंग कनेक्टर्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं दोस्तों, बाहर से दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखिए इसका जो कनेक्शन है, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता, मेरा कैमरा जो है जल्दी से फोकस नहीं करता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, मोबाइल कैमरा है तो ये फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है ना दोस्तों यहाँ से उठ चुका है, जो चार्जिंग कनेक्टर है ये यहाँ से उठ चुका है ऊपर की तरफ। तो जो कनेक्शंस मैंने इस कनेक्टर पे दिखाए जो पांच लेग्स, वो पांच लेग्स जो है यहाँ पे बैठे नहीं हैं, ऊपर की तरफ उठ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इसको ठीक से बिठाएंगे तो चढ़ जाएगा चार्जिंग, तो पक्का चढ़ेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसको बदल ही देते हैं क्योंकि इसको ही लगाएंगे तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मुझे लगता है कि ये पुराना हो चुका है, लेकिन आप इसको भी लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए इसका जो मुंह है ना ये थोड़ा खुल चुका है, ये जो सामने की तरफ आप मुंह देख रहे हैं चार्जिंग कनेक्टर का, ये जो है थोड़ा खुल चुका है, ठीक है। तो मोटा सा खुल चुका है, तो इसी ये लूज़ भी हो सकता है अगर चार्जिंग, लेकिन हम इसको ही देखेंगे कि इसको ही लगा के। तो देख सकते हैं इस तरह से ये जो है, हमें अभी क्या करना है दोस्तों, पेच लेना है, पेच लेने के बाद यहाँ पीछे की तरफ लगाना है, थोड़ा साइड की तरफ थोड़ा लगाएंगे और इस साइड भी थोड़ा लगा लेंगे, और उसके बाद इसको मैंने कल जो बताया था जो हीटिंग एलिमेंट नहीं है, वो हीट एयर गन ब्लोअर, तो उससे हम इसको ठीक करेंगे। तो ये ब्लोअर ले लिया है मैंने अभी, तो इसको क्या करना है दोस्तों, ब्लोअर को हमें चार्जिंग के कनेक्टर के नीचे से हुए ऐसा हीट देना है। तो हीट जो है मैं 5 से 6 पे रखता हूँ, तो ऐसे नीचे से इसको हीट देते हुए चिमटी के मदद से जो है हम इसको प्रेस करेंगे।
तो इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए और देखेंगे कि ये लग जाता है या नहीं है। लग जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा रखा था मैंने, तो ये लग गया है। जब हमने पहले इसको चेक किया था कि चार्ज हो रहा है या नहीं है, तो तब क्या हुआ था, इसमें जो है चार्ज ले नहीं रहा था। तो अभी जो है चार्ज करके देखेंगे कि चार्ज होता है या नहीं है। तो अभी हीट किया ना मैंने, तो अभी बोर्ड जो है बहुत ही गर्म है। तो जैसे बोर्ड गर्म होता है तो उस वक्त जो है हमें इसमें चार्जर लगाना नहीं है, नहीं मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ICs वगैरह जो रेसिस्टर कैपेसिटर जो भी इसमें लगे हुए होते हैं कंपोनेंट्स जल सकते हैं अगर हीटिंग करके हम इसको लगाते हैं। तो जब मोबाइल गर्म हो तो इसके साथ कुछ भी करना नहीं है, इसको ठंडा करना है थोड़ी देर के लिए। तो अभी भी गर्म है ये। तो दोस्तों देखिए अभी चार्जिंग कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है ना। तो इस पे से क्या है, हम इस ऐसा ऐसे रख के देखते हैं ना, तो जो 5 लेग्स मैंने बताए थे, तो पहला वाला लेग जो है डेटा पॉजिटिव होता है, उसके बाजू वाला सॉरी पहला वाला जो है वीक चार्ज यानी कि चार्जिंग का पॉइंट होता है प्लस वाला, और लास्ट वाला जो है वी माइनस यानी कि चार्जिंग का माइनस पॉइंट होता है। और यहाँ फर्स्ट वाले पॉइंट के बाजू वाला पॉइंट जो है डेटा पॉजिटिव होता है, और उसके बाजू वाला पॉइंट जो है डेटा नेगेटिव होता है, और उसके बाजू वाला BSI होता है, इसका कोई काम नहीं होता है, और लास्ट वाला जो है चार्जिंग में माइनस पॉइंट होता है। ठीक है, मान ले के अभी चार्जिंग कनेक्टर के जो पॉइंट्स है ग्राउंड्स कहते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो अभी चार्जिंग पिन डैमेज थी, तो इसको हम किस तरह से जो है एडजस्टमेंट करके इसको लगाया है ये आपने देखा। तो इसके बारे में बहुत बड़ी क्लास है दोस्तों, इसको विस्तार से बताना पड़ेगा आपको, डेटा पॉजिटिव क्या होता है, कहाँ से आती है लाइन, ठीक है, उसको अगर ग्राउंड उखड़ जाता है तो किस तरह से लगा। तो अभी हमने मोबाइल को प्रॉब्लम चेक करना सीखा है और इसकी चार्जिंग पिन को एडजस्टमेंट हमने करा है, किस तरह से हुआ या हुआ या नहीं है सक्सेसफुली देखते हैं। तो अभी क्या करूँगा मैं, इसमें ऐसे ही रख के चार्जिंग चार्जर को जो है कनेक्ट करूँगा और देखूँगा कि चार्ज यहाँ बैटरी के पॉइंट्स पे पावर आता है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पावर आ रहा है, ठीक है, 4.7 वोल्टेज आ रहा है, जबकि पहले क्लास में मैंने बताया कि वोल्टेज जो इसका नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने इसको लगा दिया है पिन को प्रॉपर तरीके से, तो अभी जो है वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। तो अभी हमें करना कुछ नहीं है, बस मोबाइल को जो है इसमें अटैच कर देना है। तो आने वाले क्लास में आपको बताऊंगा कि डेटा पॉजिटिव क्या होता है, वी चार्ज पॉइंट क्या होता है, चार्जिंग अगर ग्राउंड से निकल जाता, चार्जिंग का पिन जो है बोर्ड से निकल जाता है तो उसको किस तरह से लगाते हैं, सब कुछ जो है मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा। बहुत बड़ी क्लास होगी है। तो इसको वापस से सेट कर देते हैं अपनी जगह पे। ये यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है ठीक से, तो इसको
इसको निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये ठीक से सेट नहीं बैठ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अब देखेंगे किस लिए नहीं बैठ रहा है भाई। तो इस तरफ इस साइड हम बिठा देंगे सबसे पहले, उसके बाद इस साइड बिठाएंगे तो लग जाएगा शायद। तो ये बैठ गया दोस्तों उधर, लॉक जो है ना, ये लॉक कहते हैं इसको, ये आड़े पड़ रहा था तो अभी छूट गया है। ओके है, बैठ गई। तो ये जो है दोस्तों कार्बन शीट कहते हैं इसको, तो ये कार्बन शीट को भी हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये लग गया और अभी बैटरी को डाल लिया है और चार्ज करके देखते हैं मोबाइल को कि चार्ज होता है या नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल जो है चार्ज होना शुरू हो चुका है, यानी कि चार्जिंग पिन प्रॉब्लम थी जो कि बोर्ड से उठकर ऊपर आ गई थी, तो हमने इसको वापस से लगा दिया है तो इसकी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो चुकी है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इसमें, तो इसको हम फिट कर देते हैं मोबाइल को। तो देखा आपने कि चार्जिंग पिन अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको हम अल्ट्रेशन एडजस्टमेंट करके किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और आगे वाले क्लासेस में आपको मैं बताऊँगा कि पूरी तरह से प्रॉपरली हम किसी भी चार्जिंग पिन को किस तरह से हम जो है बदलते हैं वो हम आगे की क्लास में जानेंगे। तो और लंबी क्लास है, डेटा पॉजिटिव डेटा नेगेटिव वी चार्ज अगर ग्राउंड चले जाते हैं तो उसको किस तरह से ठीक करते हैं, सब कुछ जो मैं आपको उस क्लास में बताऊंगा दोस्तों। तो जमे बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो भी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देख सकते हैं चार्जिंग एकदम परफेक्टली चल रहा है दोस्तों। तो इसको स्क्रूस लगा देते हैं, स्क्रूस लगा के रख देना है, बस चार्जिंग तो चल रहा है। एक बार ऑन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से जो है चार्जिंग की पिन को रिपेयर करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखते रहेंगे, हमारे चैनल टेक फैंटेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।